नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के वीडियो में। तो चलिए आपका भी अधिकम समय लेते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो जो है वो केमिस्ट्री का है, पार्ट टू है, जो कि क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो शुरू करने से पहले इसके पहले वाले वीडियो में कमेंट में आपसे लास्ट में मैंने पूछा था कि एक प्रश्न पूछा था कि विरोधीगंधिता के दो उदाहरण बताओ जिसे रेंसिडिटी कहा जाता है। तो उसके दो उदाहरण होंगे नमकीन और चिप्स, जो कि तेल एवं खासा वसायुक्त पदार्थ होते हैं। तो वही उसके उदाहरण दो होंगे तेल एवं चिप्स। तो आज का जो वीडियो है उसे शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो का पहला क्वेश्चन आता है पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था। तो सोरेनसन के द्वारा 1909 ईस्वी में किया गया था। दूसरा प्रश्न आता है पीएच स्केल का उपयोग होता है तो अम्ल व क्षार की सामर्थ्य मापने में। तीसरा प्रश्न आता है पीएच स्केल क्या मापता है, किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को। चौथा प्रश्न आता है पीएच स्केल में पी है जर्मन शब्द जो पुषांश होता है उसका अर्थ शक्ति होता है। पांचवा प्रश्न आता है पीएच स्केल में एच है हाइड्रोजन आयन। छठवां प्रश्न आता है पीएच स्केल का प्रास कितना होता है तो 0 से 14 तक। सातवां प्रश्न आता है पीएच स्केल में 0 से 7 तक का मान कहलाता है तो अम्लीय कहलाता है। आठवां प्रश्न आता है पीएच स्केल में 7 का मान कहलाता है उदासीन, जो लवण भी होता है। नौवां प्रश्न आता है पीएच स्केल में 7 से 14 तक का मान कहलाता है तो क्षारीय कहलाता है। दसवां प्रश्न आता है हमारे शरीर का पीएच परास किसके बीच कार्यशील रहता है तो 7.0 से 7.8 के बीच। ग्यारहवां प्रश्न आता है हमारे मुंह में पीएच का मान 5.5 से कम होने पर होता है दांतों का इनेमल संक्षारित हो जाता है। 12 नंबर प्रश्न आता है हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है तो इनेमल है। 13 नंबर प्रश्न आता है वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम होने पर होता है तो वह अम्लीय वर्षा हो जाता है। 14 नंबर प्रश्न आता है नमक जिसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं का पीएच मान होता है 7.0 जो कि लवण होता है। 15वां प्रश्न आता है शुद्ध जल का पीएच मान होता है तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। 16 नंबर प्रश्न आता है हमारे रक्त का पीएच मान होता है 7.4 जो कि क्षारीय होता है। 17वां प्रश्न आता है लार का पीएच मान होता है 6.5। 18 नंबर प्रश्न आता है समुद्र जल का पीएच मान होता है 8.4। 19 नंबर प्रश्न आता है दूध का पीएच मान होता है 6.4। 20 नंबर प्रश्न आता है सिक्के का पीएच मान होता है 3। 21 नंबर प्रश्न आता है नींबू का पीएच मान होता है 2.4। 22 नंबर प्रश्न आता है शराब का पीएच मान होता है 2.8। 23 नंबर प्रश्न आता है मानव मूत्र का पीएच मान होता है 5.5 से 7.5। टमाटर का पीएच मान होता है 4.5। 25 नंबर प्रश्न आता है बैटरी एसिड का पीएच मान होता है 1। 26 नंबर प्रश्न आता है सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड। 27 नंबर प्रश्न आता है दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। 28 नंबर प्रश्न आता है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो फॉर्मिक अम्ल। 29 नंबर प्रश्न आता है कि नींबू संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। 30 नंबर प्रश्न आता है टमाटर आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो एस्कॉर्बिक अम्ल। उसके बाद 31 नंबर प्रश्न आता है पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। 32 नंबर आता है सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो मौलिक अम्ल। 33 नंबर आता है कि इमली अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। 34 नंबर आता है फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल काम में लिया जाता है तो ऑक्जेलिक अम्ल। 35 नंबर आता है कि गन्ने में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो गन्ना, इसके आंसर होगा ग्लाइकोलिक अम्ल। तो आज का जो वीडियो है उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहद पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।